भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। भरत जी महाराज, देखो प्रेम क्या होता है। माता कौशल्या ने भरत जी को देखा, भरत जी ननिहाल से लौट कर आए, कैकेयी ने वनवास मांग लिया राम के लिए। मालूम है क्या किया? सब घटनाएं तुमको मालूम है। कैकेयी का परित्याग किया राम भरत जी महाराज ने। मैं आज के बाद तुम्हारे इस कक्ष में प्रवेश नहीं करूंगा, 14 वर्ष तक तुम्हारे कक्ष में कभी नहीं आऊंगा, मैं सुबह से तुम्हारा कभी मुंह नहीं देखूंगा। माता कैकेयी, तुझे माता कहने में मुझे शर्म आती है, ध्यान रखना। तूने राम के लिए वनवास मांगा, उस समय तेरी जुबान पे कीड़े ने क्यों नहीं पड़ गए, तेरी जुबान गल क्यों नहीं गई? रामायण को देखो, इतनी गालियां दी होंगी राम ने कि शायद एक स्त्री को भी कोई साधारण व्यक्ति गाली नहीं देता जितनी गाली भरत जी ने कैकेयी को प्रदान की। जार जार आंसू बहा रही है कैकेयी, क्या सोचती है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है। कैकेयी सोचती है कि जिसे मैंने वनवास दिया, जिसे मैंने वन में भेजा, वो बेटा मेरे पैर छू कर जाता है, और जिसके लिए राज्य मांगा वो मुझे गालियां देता है। कैकेयी को बोध प्राप्त हुआ, ध्यान रखना, तभी तो भरत को मनाने राम को मनाने जाती है। अरे जिसके लिए वनवास मांगा उसने एक क्षण भी मेरी बुराई ना की, और उसने मेरे चरणों में माथा रखा और कहा कि माता आशीर्वाद दे, तेरे वचन को निभा सकूं मैं, ध्यान रखना। मैं धन्य हुआ कि कम से कम तूने 4 पुत्रों में मुझे अपने वचन निभाने योग्य समझा। एक बेटा वो है मेरा, और एक बेटा ये है जिसके लिए सिंहासन मांगा, और वो कहता है कि तेरी जुबान पे कीड़े क्यों ना पड़ गए, ध्यान रखना। भरत जी महाराज यही तो चाहते थे, शब्द तीखे थे, ध्यान रखना। संतों का क्रोध भी उन्नति में कारण हुआ करता है, कल्याण में कारण हुआ करता है, महापुरुषों की कषाय भी कल्याण में कारण होती है। भरत जी ने क्रोध किया, लोग कहते हैं संत पुरुष क्रोध नहीं करते, भरत ने क्रोध किया मां पर। जानते हो क्यों क्रोध किया भरत जी ने? ताकि तुझे समझ में आ जाए कि भरत नहीं दुनिया में राम ही सही हुआ करते हैं, ध्यान रखना। कैकेयी के मुंह से निकला, भरत तुझसे अच्छा पुत्र तो मेरा राम है जिसे मैंने वनवास दिया है। भरत जी मन ही मन खुश हुए कि अरे दुर्मति, कम से कम इतनी मति तो तेरे अंदर आ गई ना, इतनी सद्बुद्धि तो तेरे अंदर आ गई, बस यही तो मैं चाहता था। भरत जी बड़े एक अलग व्यक्तित्व है उनका। भरत जी महाराज से कहा गया कि सिंहासन पर बैठो, भरत जी ने कहा मैं सिंहासन पर कैसे बैठू? गुरु वशिष्ठ ने कहा हम तुम्हें जबरदस्ती बिठाएंगे, भरत जी ने कहा बैठेंगे क्यों नहीं बैठेंगे। ध्यान रखना, अपने से बड़ों को कैसे मना किया जाता है यह कला भी आना चाहिए। एकदम से मना करोगे ना तो मर्यादाएं भंग हो जाएंगी, उस परिवार में हर व्यक्ति मर्यादा में जी आए, बड़ों को कैसे मना करे? बोले भरत यदि हम तुमको जबरदस्ती बिठा दें सिंहासन पर तो क्या करोगे? भरत जी ने कहा मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन गुरु वशिष्ठ एक बात तो बता दो मुझे। बोले क्या? एक बात मुझे बताओ, कौन कहता है कि मैं त्यागी हूं, मैं लोभी हूं? मुझसे बड़ा लोभी संसार में कोई और नहीं होगा। तुम लोभी हो भरत? हाँ, मेरे जैसा लोभी, मेरे जैसा तृष्णा वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। सारी दुनिया तो तुमको त्यागी कहती है। भरत जी ने कहा मैं भोगी हूं, मैं लोभी हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए लोभी हूं कि गुरु वशिष्ठ कितनी अंदाज से उन्होंने मना किया है कि मैं सिंहासन पर बैठूंगा, लेकिन एक बात बताओ गुरु जी, लोभी व्यक्ति को ज्यादा चाहिए या कम चाहिए? बोले लोभी को तो ज्यादा चाहिए। तो बोले मैं तो लोभी हूं, मैं त्यागी नहीं हूं, मैं विरक्त नहीं, मैं बैरागी नहीं, मैं बहुत बड़ा लोभी हूं। बोले क्यों? बोले यदि सिंहासन पर बैठूंगा तो मुझे अयोध्या का पद मिलेगा, और राम के चरण रखूंगा तो मुझे 2 पद प्राप्त हो जाएंगे, ध्यान रखना। लोभी व्यक्ति तो ज्यादा ही लेता है ना, अब बताओ गुरुदेव इनमें 2 पद लूं या 1 पद प्राप्त करूं? ध्यान रखिए, यदि मैं बैठता हूं तो अयोध्या का राजा कहलाऊंगा, और राम की पादुकाएं यदि इस पे रखता हूं, 1 पद नहीं मुझे 2 पद की प्राप्ति हो जाएगी, वही इस सिंहासन पर बैठेंगे। कितने अच्छे अंदाज से उन्होंने मना किया, ध्यान रखना, विचार करना।
लोग हमसे कहते कि दिगंबर साधु त्यागी है, मैं तो नहीं कहता मैं त्यागी हूं, तुम बड़े त्यागी हो, तुम महात्यागी हो, मैं कुछ त्यागी व्यागी नहीं हूं। मैं गलत फहमी में नहीं जीता हूं कि मैं बहुत बड़ा त्याग मैंने कर दिया है। क्या त्याग कर दिया है? ध्यान रखना, जो ज्यादा चाहता है वो त्यागी कैसे हो सकता है? विचार करिए, सोचना है आपको। मेरा लोभ तो बहुत बड़ा लोभ है, मेरा लोभ वो लोभ नहीं है जो तुम्हारा है, मेरा लोभ तो वो लोभ है कि मैं सिद्ध पद को प्राप्त करना चाहता हूं, अरिहंत पद को प्राप्त। इनसे बड़ा कोई पद है क्या? इनसे बड़ी कोई दौलत है क्या? अरिहंत लोग उत्तमा, सिद्ध लोग उत्तमा। ये कहा है कि दौलत लोग उत्तमा बोला है, मकान लोग उत्तमा, हीरे मोती लोग उत्तमा, ऐसा बोला है क्या? क्या बोला है? जगत में उत्तम वस्तु कौन है? सिद्ध पद उत्तम है, अरिहंत पद उत्तम है। तो औरंगाबाद वालों में कह रहा हूं, तुम कम त्यागी, तुम ज्यादा त्यागी हो, मैं महात्यागी हूं। एक बात याद रखना, तुमने तुच्छ के लिए सिद्ध को छोड़ा है और मैंने सिद्ध के लिए तुच्छ को छोड़ा है। ध्यान रखना, विचार कर, तुम कितने बड़े त्यागी हो? मेरे से बड़े त्यागी, महात्यागी। तुमने बड़ी संपदा छोड़ दी, छोटी संपदा में लगे हुए हो। मैं ज्यादा लोभी हुआ ना, छोटी संपदा छोड़कर बड़े की तरफ बढ़ रहा हूं, कौन लोभी हुआ? ध्यान रखना, मैं या तुम? विचार करो, मैं बड़ा लोभी हूं, मुझे तो बड़ा चाहिए, छोटा नहीं चाहिए। ये सांसारिक सुख नहीं चाहिए, ये पत्नी का सुख नहीं चाहिए, ये बच्चों का सुख नहीं चाहिए, ये परिवार का, ये सब तुच्छ है, इनमें जीवन बर्बाद क्यों करो? यदि मुझे कुछ चाहिए तो शाश्वत सुख की प्राप्ति चाहिए। तुम्हारे सुख छोटे मोटे हैं, हमारे सुख बहुत बड़े हैं। ध्यान रखना, उस बड़े सुख के लिए छोटे को छोड़ना। अब बताओ, बड़े को चाहना और छोटे को छोड़ना, कौन हुआ लोभी? बोलो, हमसे बड़ा कोई लोभी नहीं होगा। तुम भोगी हो ना, हम महाभोगी हैं। ध्यान रखना, तुम तो छोटी छोटी बीचों चीजों को भोग के खुश हो जाते हो, हमको तो चैतन्य का भोग करना है, आत्मा का भोग करना है, सिद्धालय का भोग करना है, अपनी शाश्वत सुख का भोग करना है। कौन भोगी? लोग कहते महाराज त्यागी, मैं कहता महाराज से बड़ा भोगी दुनिया में कोई दूसरा। बोले ब्रह्मचारी, हम कहें कि ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी तो तुम हो। ध्यान रखना, बोले महाराज तो बाल ब्रह्मचारी है, अभी मुक्ति वधु आ जाए ना तो झट शादी कर लेंगे उससे। ध्यान रखना, एक मिनट नहीं लगेगा, उस शिवालय में जाकर शिव रमणी से विवाह, शिव रमणी, उसमें रमण करेंगे जीवन भर, अनंत अनंत काल तक। हमसे बड़ा भोगी कौन है? ध्यान रखना, ना हमसे बड़ा कोई लोभी है, ना हमसे बड़ा कोई भोगी हो सकता है। इनसे बड़ा शाश्वत सुख पाने के लिए ऋषभदेव इन क्षणिक सुखों को छोड़कर चले गए, बड़ा पाने के लिए छोटे को छोड़ दिया। महावीर चले गए, नहीं करूंगा विवाह। बोले क्यों? जो स्त्री मरण धर्मा हो उससे क्या विवाह करना, विवाह तो उस स्त्री से करूंगा जो अजर अमर हुआ करती है। ध्यान रखना, मरण धर्मा महाड़ मांस पोटले से क्या भोग करना? ध्यान रखना, भोग करना है तो चेतन रस का भोग करो। ध्यान रखे, लगन सच्ची लग जाए, सत्य पे लगन हो जाए तो झूठा छूट जाता है। एक बात बताओ, कांच के मोती लेकर घूम रहे हैं, कांच के माणिक मणिके लेकर, वो कहीं हीरा मिल जाए, वो कह दिया जाए हीरा उठा लो, तो कांच की मिट्टी छोड़ना पड़ेगी या छूट जाएगी? बोलिए लोभियो, बोलो, छूट जाएगी ना। हीरा उठाना है, कांच को छोड़ना ठिक जाता है। मान्यवर, तुम कांच की मुट्ठियों में जीते हो, हम मोक्ष का हीरे के लिए रीझ रहे हैं। ध्यान रखना, निर्वाण के लिए रीझ रहे हैं। जैसे ही वो दिखता है ना, ये छूट जाता है सब। ये कोई बहुत बड़ा त्याग नहीं है, इसे बहुत बड़ी चीज मत समझो। मान्यवर, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं।